बार बार भगवान अगले मन आश्रय लेते हुए व्यास जी परिराजमान श्री भगवत जी भगवान श्री रामायण जी महाराज तो सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज की रिकॉर्डिंग दोस्तों काफ़ी दूर हमको करने जाना है, जो कि लाइफ में दोस्तों पहली बार जा रहे हैं इतनी दूर अपने जिले से रिकॉर्डिंग करने के लिए। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सीतापुर से करीब दोस्तों 15-20 किलोमीटर आगे हम आज रिकॉर्डिंग करेंगे मृदुलेश शास्त्री जी महाराज जी को, जो कि उनकी सीतापुर जिले में दोस्तों भागवत कथा लगी है। दोस्तों चलते हैं और आप लोगों को लाइव भागवत कथा हम दिखाएंगे। और हमारा यहाँ पर देख सकते हो कैमरा बिल्कुल रेडी है, पैक हो चुका है। लैपटॉप आप लोग देख सकते हो, पीछे बैग हमारा पड़ा है, बैग में दोस्तों हमारा लैपटॉप है। दोस्तों चलते हैं सीतापुर में भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये अभी आने वाला है ददनामा पुल, आप लोगों को लाइव दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो अभी कुतुब नगर में आ चुके हैं, जैसा कि कुतुब नगर क्रॉस कर दिया है, इसके बाद में रामकोट जाने वाले हैं। देख सकते हो अभी रामकोट क्रॉस करने के बाद में दोस्तों अभी सीतापुर में खड़े हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इधर ये सीतापुर है, जो कि हम सीतापुर के बाहर बाहर जा रहे हैं। अभी हमको जाना है, आप लोगों को बता दें, अभी हम जा रहे हैं खैराबाद है? अभी हम जा रहे हैं खैराबाद। खैराबाद के आगे जाना है बिस्मा, वहीं पे भागवत कथा हो रही है, आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। मृदुलेश शास्त्री जी वहां पे पहुंच चुके हैं, करीब आज 5वां दिन है भागवत कथा का और आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। दोस्तों अभी ये दोस्तों आप लोग यहां पे जो सीन देख रहे हो, ये सीतापुर जिले में अभी खड़े हैं। ये कुछ यहाँ पे ऐसा नजारा है और दोस्तों चल रहे हैं तो खैराबाद को आप लोगों को अभी लाइव दिखाएंगे। आज शाम को रिकॉर्डिंग होगी भागवत कथा की। दोस्तों जैसा कि अभी हरदोई जिले के आगे दूसरा जिला सीतापुर में अभी हम पहुंच करके आगे भी बिस्मा से करीब 30 किलोमीटर आगे दूर दोस्तों पहुंच गए हैं, जो कि मृदुलेश शास्त्री जी की भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये मोनू खड़ा है, कैमरामैन। करीब हमको 2 घंटा चलते हुए हो गया है बाइक पर, यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है। और अभी सरैया स्टेशन से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे पारा प्रसादी गांव में भागवत हो रही है मृदुलेश शास्त्री जी की, और वहां पे आज रिकॉर्डिंग करेंगे, रात में आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे, लाइफ में पहली बार इतनी दूर भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आज दूसरे जिला यानी सीतापुर जिले में काफी दूर, करीब 95 किलोमीटर की दूरी पे दोस्तों जा रहे हैं भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने। यानी हरदोई जिला से सीतापुर के आगे करीब 95 किलोमीटर दूरी पे दोस्तों भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों को आज रात में रिकॉर्डिंग दोस्तों दिखाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों लोकेशन देख सकते हो, कुछ ऐसा है, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इधर सड़क है और यहाँ पर इधर पास में ही है, देख सकते हो कितना अच्छा नजारा है। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, देख सकते हो पांडाल कितना अच्छा यहाँ पे सजा हुआ है। ये यहाँ पर गुरुजी का मंच बना हुआ है, एकदम वीआईपी।
देख सकते हो ये सभी कलाकार यहाँ पे आ चुके हैं। ये शास्त्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, ये शिवम शास्त्री जी हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एक ये नहर है, इसके आगे आप लोगों को दिखाएंगे एक साथ में दो दो नहरें हैं, आप लोगों को दिखाते हैं चलो। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो, तो अभी ड्राइवर साहब यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। एक नहर ये है आप लोग देख सकते हो, और इसके जस्ट आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे साथ में ही दो नहरें हैं, एक तो ये है और एक यहाँ पे ये नहर है देख सकते हो। चलो प्रसादी गांव दोस्तों यहां पे पड़ता है, भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने के लिए आए थे। देख सकते हैं यहां पे एक ये नहर है, एक पीछे है, साथ में दो दो नहरें जा रही हैं यहां पे। आइए गुरु जी मंत्र से माने जा रहे हैं, श्री राम दरबार से मंत्र बोलेंगे हम और दिवाली का विचार है। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ये कहेगा कि जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, वो मुरली वाले श्याम मैं मेरा। सब लोग मीठी मीठी तालियां बजा करके बोलेंगे। जितनी बहनें बैठी हैं और जो बच्चे पीछे शोर मचा रहे हैं, बैठ जाओ बेटा, सब लोग शांति बना लो। और मैं तो एक बात और कहूंगा, मेहमान जो पीछे कुर्सी डाली उतनी दूर है, पीछे बैठ जाए तो अच्छा रहेगा ना, जैसे वहां थे। सियां गलत कह रहा हूं। बोली भक्त वत्सल भगवान के, बोली राम कृष्ण भगवान के, बोली कृष्ण कन्हैया लाल के। तो जितनी बहने बैठी भैया लोग बैठी, सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए चलेंगे। अरे काले कमलिया बाली श्याम मुझे कमली में छुपा ले, काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। जितनी बहनें बैठी जितनी माताएं बैठी सभी लोग बोलते चलेंगे, काले कमलिया बाली श्याम मुझे कमली पाले, काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपाले, काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपाले, मुझे कमली में छुपाले, मुझे गोदी में बिठा ले, मुझे कमली में छुपाले, मुझे गोदी में छुपाले। बांके बिहारी I'm not afraid.
काली कमलिया काली श्याम मुझे ओठों से लगा ले, काली कमलिया वाली श्याम मुझे ओठों से लगा ले, काली कमलिया वाली श्याम मुझे ओठों से लगा ले, काली कमलिया वाली श्याम मुझे ओठों से लगा ले। बोले गोविंद भगवान की जो कि भागवत कथा समाप्त हो चुकी है, अभी ये प्रसाद मिला है अभी। बार बार वंदन अभिलमन आश्रय लेते हुए व्यास जी पर विराजमान श्री भागवत जी भगवान श्री रामायण जी महाराज पंच लोकपाल लिखपाल चौसरे निश्चिंत पाल नवग्रह मंडल गौरी उड़ीस भगवान ज्ञात मेरी आवाज जा रही है वहां तक समस्त देवी देवता यह चंद्र उसे चांदनी की तालाब पेड़ पौधे